हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, और अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। प्लस लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मैं बताना चाहती हूँ। अगर सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 का आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसकी लास्ट ड्यू डेट जो है वो है 15 अक्टूबर। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप नवंबर का एग्जाम चाहकर भी नहीं दे पाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिए। उसी के साथ साथ अगर आप सीएसडब्ल्यूटी की कोचिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो और चाहते हो वन शॉट आप क्वालिफाई हो, तो हमारे यहाँ पे सीएस प्रीति सिंह क्लासेस के यहाँ फेस टू फेस क्लासेस प्लस जिस समय फेस टू फेस चलती है उसी समय लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में आप अपने घर पर रहकर सीएसडब्ल्यूटी की एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और वन शॉट सीएस पास कर सकते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिना समय गवाए। सबसे पहले आप जो भी जहाँ पर भी हो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको अपने गूगल के ब्राउजर में टाइप करना है www.icsi.edu। जैसे ही आप www.icsi.edu क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें नजर आएंगी, होम, प्रोफाइल, मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। उसमें जब आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जाओगे तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तीन चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसी के साथ साथ इसमें आगे बताया गया है गाइडलाइन कि जब आप इनका जो साइज़ होगा वो क्या साइज़ रखना है, क्योंकि कंप्यूटर में ये तो है नहीं, आप कुछ भी साइज़ डाल दोगे अपलोड हो जाएगा। तो आपको ये जो नीचे डिटेल दी गई है गाइडलाइन शुड बी, जो आपको थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही होगी, गाइडलाइंस आप खोलोगे आपको दिखेगा। देन यू क्लिक फॉर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, कैंडिडेट का नाम क्या है, उसका पहला स्टार्टिंग का नेम क्या है, एंड में क्या आता है, स्टार्टिंग नेम क्या है, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि एंड में उसका नाम लास्ट में क्या आएगा, लास्ट नेम क्या होगा। फिर उसी के साथ साथ इस तरीके से आप जैसी इन्फॉर्मेशन देखोगे, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक फॉर्म भरते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स के बाद एक रिक्वेस्ट आईडी नंबर आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप जब आप क्लिक करोगे फी डिटेल्स एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आईसीएसई क्लासेस फॉर सीट बेस्ड फैकल्टीज एंड नॉमिनल फीस। आप आईसीएसआई से क्लास लेना चाहते हो या कहीं बाहर प्राइवेट कोचिंग करना चाहते हो, वो आपको अपनी चॉइस है। उसके बाद आपको पेमेंट अमाउंट आ जाएगा, वो फिल करना है। देन आगे नेक्स्ट स्टेप पे आप जब जाओगे तो यहाँ वो ऑप्शन आएगा जहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, आप इस पर क्लिक करोगे, चूज फाइल, आपने अपने डेस्कटॉप पे अगर सेव कर रखी है, लैपटॉप में कहीं सेव कर रखी है, तो वहाँ से आप उठा के इसे अपलोड कर दोगे। दूसरी चीज़ इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। जब ये दोनों चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आप क्या करना चाहते हो, उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आप डालना चाहते हो, चूज फाइल, यहाँ पे वो अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद आप इस पे जो पॉइंट आ रहा है इसे ड्रॉप बॉक्स, इस पे आप क्लिक करोगे, येस, ओके एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म आपने भरा वो पूरा इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट मोड सिलेक्शन होगा, आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, कौन से कार्ड से करना चाहते हो। रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, और ये इस तरीके से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपने जो नंबर डाला है प्लस जीमेल आईडी डाली है, उस पर आपकी यूनिक आईडी नंबर आ जाएगा, वो आपको संभाल के रखना है अच्छी तरीके से। वो ये नहीं है कि आप खो दो, उसे आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना। एसएमएस भी आपके पास आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सीएसडब्ल्यूटी के लिए हो चुका है। बच्चों, इसी तरीके से आप अपना सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो सेल्फ कर सकते हो, कैफे की मदद से कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 2023 का डेडिकेटेड बैच फेस टू फेस प्लस साथ में लाइव दोनों तरीके से क्लासेस अवेलेबल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप हमारे यहाँ ही पढ़िए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ फीस भी है कम और क्वालिटी भी है दम। ये बात मैं नहीं बोल रही, आप हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए, मैम कहाँ मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आपको एक स्टेप लेना, पहले लेक्चर्स देखिए, ऑल ओवर इंडिया कंपेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना। उसी के साथ साथ स्क्रीन पे जो नीचे आपके नंबर्स चल रहे हैं आप इन पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर पैसा नहीं देना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सी एस प्रीति सिंह क्लासेस के ऐप का लिंक है, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा इसे कैसे चलाएं, उसमें ही लिंक दिया है हाउ टू एसेस सी एस प्रीति सिंह क्लासेस ऐप, और हमारा पूरा कोर्स जो है वहाँ पर दिया गया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप के थ्रू आराम से घर पे पढ़ सकते हो, उसमें हमारा कोई चार्ज नहीं है। लेकिन डेली बेसिस फेस टू फेस लाइव अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको देने की जरूरत नहीं, उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ अपनी मैंने आपको बातें बताई। प्लस अगर आप सीएस स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, रिविजन सेशन, मैराथॉन्स, गाइडेंस सेशंस, सो मेनी थिंग्स आर देयर, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीएस के बच्चों को डेडिकेटेड है और सीएस की ही क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.